सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच का जो रोमांच देखने को मिला उसने सबको चौंका दिया। मैच भले ही ड्रॉ हो गया लेकिन इस ड्रॉ मैच में भी टीम इंडिया की जीत हो गई और इस ड्रॉ मैच में अगर कोई हारा है तो वो है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने इस मैच में खेल भावना नहीं दिखाई। खामखा फिजियोथेरेपिस्ट बार बार स्टेडियम में आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों चाहते थे कि किसी तरह से टाइम कट जाए। आपको बता दूं कि श्रीलंका और भारत के बीच इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 231 रनों का टारगेट दिया था। आखिरी दिन था, कुछ ही वक्त का समय था और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया। श्रीलंका के 75 रन पर 7 विकेट गिरा दिए, यानी 5 से 7 ओवर और होते तो श्रीलंका की हार निश्चित थी। भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने इस पारी में भी 4 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया, वहीं मोहम्मद शमी ने भी शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट चटके। उसके अलावा उमेश यादव ने 1 विकेट चटका और पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज कांपते नजर आए। बार बार अंपायर से ये कह रहे हैं कि आप देखिए लाइट कम है, लाइट कम है, यानी कि श्रीलंका के बल्लेबाज खेल ही नहीं पा रहे थे भारतीय गेंदबाजी। और भारतीय टीम ने इस मैच में पूरा दमखम दिखा दिया, भले ही मैच ड्रॉ हो गया लेकिन दिल सबका जीत लिया। वाकई लाजवाब था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।